सुपर गर्ल तारा ऑफ द ईयर 2024 के लिए ऑडिशन नोएडा के AFT स्कूल में हुआ। दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर के 19 से 25 वर्ष की आयु की मॉडल और अभिनेत्रियां ऑडिशन के पहले दौर में भाग लिया। ऑडिशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि यह सुपर गर्ल तारा की प्रतिष्ठा की भूमिका के चयन की प्रक्रिया का पहला दौर था। ऑडिशन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली जिसमें महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं ने भूमिका के लिए अपने कौशल और जुनून का प्रदर्शन किया। पंच स्टूडियोज एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित सुपर गर्ल तारा 5 तत्वों से बनी भारत की पहली सुपर हीरोइन है। वह एक रक्षक और उपचारक के गुणों का प्रतीक है जो सभी उम्र के बच्चों, परिवारों और दर्शकों के दिलों में बसने वाले हैं। ऑडिशन एक प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य सुपर गर्ल तारा के किरदार के लिए सही चेहरा और राजदूत ढूंढना है। हेलो एवरीवन, दिस इज गगन राणा। मैं फनकिस इंडिया एंड फन स्टूडियोज का फाउंडर और CEO हूं। आज हमारे साथ दो और खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अपने बारे में बताइए पहले। I'm a fashion photographer and a groomer and owner of Faces Model Management, India's top modeling agency. Here to judge and support Gagan in finding the super girl Tara and very delighted to be a part of here. आज काफी है, नंबर तो मुझे ढंग से याद नहीं रही, काफी ऑडिशन हो चुके हैं और जो दूसरा है ऑनलाइन वो हमारा 28 को है। आज जैसे 25 जुलाई है, हमारा जो नेक्स्ट है वो जूम पे है, 28 को है, वहाँ काफी होंगे और जो नंबर्स काफी यू नो जो ये okay, पहले बताता हूँ मैं आपको ये जो शो के बारे में। सुपर गर्ल तारा ऑफ द ईयर का ये रियलिटी शो है, एक इनोवेटिव रियलिटी शो है क्योंकि इंडिया ने कभी सुपर हीरोइन थी नहीं। इंडिया और फन स्टूडियोज की टीम ने मिलके इसको हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम दिल्ली में। उसके बाद ये बिकम हो गया सेंसेशन और बच्चों में बड़ों में इसका जो क्रेज है वो काफी है क्योंकि एक तो भारत। हेलो, माय नेम इज अदिति सिंह एंड आई एम 18 इयर्स ओल्ड। आज मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आई थी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के लिए, दैट इज सुपर गर्ल तारा, एंड आई वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू बी हियर। और मुझे जजेस से इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा। अब शो की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये एक सुपर हीरोइन, एक सुपर गर्ल के बारे में है, दैट इज तारा, सुपर गर्ल तारा। वो 5 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनी है, दैट इज एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड या। तो अगर हम बात करें वो उसकी कैरेक्टर की, तो शी इज वर्सेटाइल, शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज वाइब्रेंट, शी इज हारमोनियस, शी इज ब्यूटीफुल इन एंड आउट। वो फायर की तरह बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, शी इज नर्चरिंग लाइक अर्थ, शी इज क्विक। हेलो, मेरा नाम गगन राणा है, मैं फनकिस इंडिया एंड फन स्टूडियोज का फाउंडर एंड CEO हूँ। आज हमने इंडिया की पहले सुपर हीरोइन सुपर गर्ल तारा ऑफ द ईयर 2024 का ऑडिशंस का हमने शुरू किया है और हमने शुरू किया है AFT नोएडा में। और जो फनकिस इंडिया है, फन स्टूडियो है, हम 2019 से हैं, 5 साल, अब हमें जुलाई में 27 जुलाई को 5 साल हो जाएंगे। और हमने काफी रियलिटी शोज है हमारे, लेकिन जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो सुपर गर्ल तारा है जो कि पंच तत्व से बनी हुई है, भारत की पहली सुपर हीरोइन है। अब तक आपने शक्तिमान देखा है, हीमैन देखा है, लेकिन आपने इंडिया की सुपर हीरोइन ही देखी है। तो हमारा जो है इंडिया की सुपर हीरोइन को हमने लॉन्च कर दिया लास्ट ईयर सिली मर्चेंट के साथ जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में, और आज वो सेंसेशन बन चुकी है क्योंकि वो भारत से इतना कनेक्टेड है, पंच तत्व की पावर से इतना कनेक्टेड है और वो आ रही है और ऐसा आ रही है कि बस जो हमारी नारी सशक्तिकरण है उसको उसको बल देगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बल देगी और मेड इन इंडिया तो है ही, और हाँ प्रोटेक्टर भी है और हीलर भी है। इसका अर्थ ये है कि बी डिफरेंट, अगर हम भी उनके और की तरह सोचते तो सुपर गर्ल चार ना निकाल पाते। तो हमने वो ये कि हर्ष डालना होता है कहीं ना कहीं, तो दैट्स हाँ दैट्स अ मेन रीजन। तो इसलिए गर्ल देखो, अगर मैं GIRL बोल देता तो ज्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन GURL कर देता तो पढ़ रहे हैं, तो वो एक अटेंशन ग्रेबर है। तो इसलिए थोड़ा हमारा क्या है, think different, do perfectly. Hey, Farasi, I'm a fashion designing student from AAFT, and today's event was about Supergirl Tara, and I think it was very amazing. I had a lot of fun. It was very exciting. I was really happy. It made me feel all giddy, and the other contestants also very nice, very humble, and they were also very confident about themselves. So that makes me happy, and yes. Power to all.
सुपरवल तारा फाइव एलिमेंट से बनी हुई है और वो ऋग्वेदा से आते हैं। वो फाइव एलिमेंट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। और अगर मैं देखूँ तो हर जगह मेरे अभी बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत क्रूशियल लोग हैं, कुछ नहीं सब बहुत क्रूशियल हैं। और सुपरगर्ल तारा सबको डिफाइन करती है। आई एम खुशी खान फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। आई एम स्टडिंग फैशन डिज़ाइन इन आप्ट स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन। तो मैं सुपरगर्ल तारा में ऑडिशन देने आई हूँ। और सुपरगर्ल तारा क्या समझते हैं आप सुपरगर्ल तारा से? तो एक फाइव एलिमेंट्स से बनी हुई एक सुपरगर्ल है जो अपने बोल्डनेस, अपने कामनेस, अपना स्ट्रेंथ, मतलब सब कुछ इसमें आपको दिख जाएगा। यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट सबका एक अपना नज़रिया होता है, हम उनका माइंड तो नहीं पढ़ सकते, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि मैं 30 ईयर्स ओल्ड। आज का ऑडिशन काफ़ी अच्छा रहा, सुपरगर्ल तारा के बारे में बताया। ये एक इमोशन है, हम इससे चेंज लेके आ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू आर थिंकिंग, हम इसे हर चीज़ में चेंज लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा था, कंसेप्ट बहुत अच्छा था इसका। यही था कि अगर आप सुपर हीरोइन बन जाते हो तो तुम कैसे सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे तुम चेंजेस लेके आ सकते हो, यही चीज़ थी। में जो अलग हुआ, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है फिर हमारे ऊपर अगर हम कुछ भी चीज़ बन जाते हैं और चेंजेस लेके आ सकते हैं काफ़ी कुछ रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से भी ज़्यादा अगर तुम चेंज लेके आओगे तो वो सबसे बड़ी चीज़ है थिंकिंग हमारी। अगर तुम लोगों की सोच बदलोगे तो एवरीथिंग विल बी चेंज।